राइली रूसो को दिल्ली ने, शाहरुख खान को पंजाब ने, साकिब अल हसन, लिटन दास, लोकी फर्ग्यूसन और साधु ठाकुर को केकेआर ने, हेनरी ब्रुक्स, कार्तिक त्यागी को हैदराबाद ने, जोफ्रा आर्चर को मुंबई ने, हथरंगा हेजलवुड को आरसीबी ने, अलजर जोसेफ को गुजरात ने और इसी के साथ जेनसन ऑल्डर को राजस्थान रॉयल्स ने निकाल दिया। तो ये सब खिलाड़ी में ही जगह आईपीएल 2024 के लिए रिलीज कर दिया गई। अब इन सब खिलाड़ी की नीलामी दोबारा सोची, ये जो खिलाड़ी रिलीज करेगी आ खिलाड़ियों के अंदर बहुत सब बड़ा बड़ा खिलाड़ी है और थे सब सोच के अचम्मा पड़ गया होगा कि आ खिलाड़ी ने कहीं निकाल दियो। उनमें से कुछ खिलाड़ी तो हैं कहीं जगह अब अवेलेबल को नहीं, तो बाहर निकालो तो सही की बात है। तो अब जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है वे आ खिलाड़ी ने बाहर न करकी और आपका पर्स में बहुत सारी राशि इकट्ठा कर ली है। और एक बार अगर बात करूँ तो आईपीएल में फ्रेंचाइजी को जो पर्स की राशि है वह कुछ बढ़ा भी दी है। अब सबके पर्स में लगभग 100 करोड़ रुपया मौजूद रहेगा। तो चलो अब मैं थारसा की बात करती हूँ टीम की फुल डिटेल के बारे में कि कौन सी टीम कौन सा खिलाड़ी ने बाहर न करे। तो सो पहले बात करते हैं अपनी फेवरेट टीम के बारे में, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। और चेन्नई की टीम का जो दर्शक है बाकी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है और यह खबर सीएसके का जो फैन सी और जो धोनी का फैन सी बारना खुश कर देसी। और यह खबर यह है कि एमएस धोनी इस बार भी सीएसके की टीम की कप्तानी करता दिखेगा। एमएस धोनी ने खेल तो देखने एक अलग ही मन में उत्साह पैदा कर देवे। अब अगर बात करें चेन्नई की टीम के बारे में कि चेन्नई की टीम कौन से खिलाड़ी बाहर निकली, तो चेन्नई की टीम बेन स्टोक्स ने बारह की बहुत ही बड़ा काम करे क्योंकि बेन स्टोक्स पहले ही आपको नाम वापस ले लियो और बहुत ज्यादा टेनर कर रहे हो। एक बात में अगर बात करूँ चेन्नई की टीम में और खिलाड़ी के बारे में, तो चेन्नई प्रिटोरियस, जेमिसन और मंगला ने बाहर निकली बहुत बढ़िया काम करे। चेन्नई की टीम के बारे में मैं बात करूँ हमारे खुद की टीम के बारे में, यानी मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की टीम के बारे में बात करूँ तो राजस्थान की टीम जो रूट और मॉर्गन हसमिन के सागर सागर कुछ छोटा मोटा खिलाड़ी ने बाहर कर दिए और आंसर राजस्थान की टीम को कोई फर्क पड़ा भी को नहीं। अगर सब मेन खिलाड़ी की बात करूँ जो कि राजस्थान की टीम बाहर कर रहे हैं तो वो जेनसन ऑल्डर। जेनसन ऑल्डर टीम ने थोड़ी मजबूती देते हो क्योंकि जेनसन ऑल्डर वेस्ट इंडीज को एक ऑलराउंडर है, लेकिन चलो एक जाना को भी कोई गम नहीं है, देखेंगे इस बार क्यों होगा। अब घूम फिर की अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान की टीम के बारे में, तो केकेआर की टीम में शाहरुख खान ने एक बार फिर से गौतम गंभीर ने आपके सागर जोड़ लिए और गौतम गंभीर जो टीम में आयो तो गौतम गंभीर आपको रूप दिखा भी दियो। गौतम गंभीर कुछ बड़ा खिलाड़ी ने बारह कर दिया। बा खिलाड़ी को अगर था नाम बताऊं, बा खिलाड़ी में साकिब अल हसन, लिटन दास, लोकी फर्ग्यूसन और टीम इंडिया को साधु ठाकुर को नाम भी आए। और आ खिलाड़ी के अलावा भी केकेआर की टीम कुछ छोटा मोटा खिलाड़ी ने बारह कर दी। पंजाब की टीम के बारे में बताऊं तो पंजाब की टीम शाहरुख खान ने बारह काट दी और शाहरुख खान की टीम ने अब जब रिलीज कर दी है तो संभावना है कि शाहरुख खान ने चेन्नई की टीम आपके साथ जोड़ सके क्योंकि चेन्नई ने आपकी टीम में नीचे बैकअप के लिए धोनी के साथ में कोई खिलाड़ी चाहिए जो कि पावर हिटिंग कर सके। और शाहरुख खान मैंने शुरुआत से बहुत बड़े खिलाड़ी लगे, लेकिन पंजाब की टीम ने भी काम में लेने को नहीं। अगर शाहरुख खान चेन्नई की टीम में चल जाएगा तो शाहरुख खान जरूर में धोनी की कप्तानी में खेल की टीम इंडिया में वापसी कर लेगा। तो अगर शाहरुख खान ने चेन्नई की टीम आपके अंदर जोड़ लेगी तो शाहरुख खान को प्रयोग धोनी आराम से बखूबी कर लेगा। देखो भाई, तो आईपीएल की सौ सफल टीम चेन्नई और मुंबई है, लेकिन बेंगलुरु की टीम के साथ भी बोला को दिल जुड़ रहे हैं और इस बार आईपीएल में बेंगलुरु की टीम कुछ अलग करना चाह रही है। तो बेंगलुरु वाली टीम कुल 11 खिलाड़ी ने रिलीज करेंगी। आ खिलाड़ी में कुछ नाम थन बताऊं तो आपके अंदर वेदांतु हसरंगा जो की ऑलराउंडर है, हेजलवुड, हर्षल पटेल, डेविड विल्ली, केदार जाधव, सिद्धार्थ कौल और फिन एलिन जय का कुछ और भी कुछ मामूली खिलाड़ी जन बेंगलुरु की टीम अब बारह कर दी। बेंगलुरु की टीम को पूरा फोकस इस बार को टाइटल जीतना होगा क्योंकि यह टीम हर बार लोगों को दिल तोड़ दे और बेंगलुरु की टीम का फैंस भी बहुत सारे हैं। तो मैं भी दिल से चाहूँ कि बेंगलुरु की टीम एक बार टाइटल जरूर आपका नाम करे। अगर बात करूँ मुंबई की टीम के बारे में, तो मुंबई की टीम जोफ्रा आर्चर ने बारह करके बहुत ही बढ़िया काम करे है। जोफ्रा आर्चर आईपीएल खिला चुकी और फालतू में आपको खौफ फैला रखे है। जोफ्रा आर्चर के बारे में बात करूँ तो जोफ्रा आर्चर खेल बहुत ज्यादा तो हॉस्पिटल में पड़े रहे और भी मुंबई की टीम कुल 11 खिलाड़ी ने बारह करी। अन में थाने एक दो नाम बताऊँ तो मुंबई की टीम क्रिस जोर्डन ने बारह कर दियो। अब एक बाद में आगे बात करूँ लखनऊ की टीम के बारे में, तो लखनऊ की टीम का सब बड़ो घाटो ये होगा की लखनऊ की टीम ने इस बार गौतम गंभीर टाटा बाय बाय बोल गो। अगर थन बताऊँ तो गौतम गंभीर के पानी लखनऊ की टीम या टीम हर बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, लेकिन अब गौतम गंभीर तो गोवे बहेंगे। आज टीम 8 खिलाड़ी ने रिलीज कर दी और में कुछ छोटा मोटा खिलाड़ी नाम ही विकास सागर, जयदेव उनांकट, डेनियल सेम्स और करुण नायर ने भी यह खिलाड़ी बारह निकाल दियो। तो अब आ जाओ हैदराबाद की टीम के बारे में, तो हैदराबाद की टीम पिछले कुछ सालों में बहुत पिछड़ रही है। हैदराबाद की टीम आईपीएल 2024 में कुछ 6 खिलाड़ी ने बारह करेंगी। 5-6 खिलाड़ी में हैरी ब्रुक्स, कार्तिक त्यागी, आदिल राशिद और आपके अलावा भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी और ही जनिया टीम बारह करेंगी। अब बात करूँ दिल्ली टीम के बारे में, तो दिल्ली की टीम ने पहले से ही एक झटको लगा रही है कि ऋषभ पंत अब तक ठीक होगी दिल्ली की टीम में वापसी को निकली। तो ऋषभ पंत का ठीक हो सी ऋषभ पंत को वेट दिल्ली का फैन और सागा सागा इंडिया का दर्शक भी कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत के अलावा अगर बात करें तो दिल्ली को ली बार गया खिलाड़ी ने बाहर करेंगी। आ खिलाड़ी में कोई बड़े खिलाड़ी के बारे में बताऊं तो इनमें राइलर रूसो एक बड़े खिलाड़ी है, एक सागा सागर चेतन साकरिया, रोमेन पावेल, मनीष पांडे, फिन साल्ट, मुस्ताफिजुर रहीम और सरफराज खान ने यह टीम बारह को रास्ता दिखा दिए। मेरे अंदाज में यह टीम
रोमिन पावल और मनीष पांडे ने 12 करके कुछ नुकसान उठा लिए। अब बात करूं सोनू लास्ट के बारे में, गुजराती टीम के बारे में सबने एक खबर तो बेरी है कि गुजराती टीम हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस ने दे दी है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या ने खरीद लिए। गुजरात टाइटल हार्दिक पांड्या ने भेजने का सागे सागे आपकी टीम से कुछ खिलाड़ी रिलीज भी करेंगे। नाम आवे यश दयाल को, के एस भरत को, शिवम दुमावी, डेनियल सेम्स, एलजारी जोसेफ और ओडिन स्मिथ को नाम आकर अंदर आवे। तो आप देख लो पड़ी गुजरात टाइटल ने हार्दिक पांड्या ने मुंबई ने देना को तो नीचे उठाना पड़ेगा। अब अगर वीडियो ने अब तक देख लिए है तो चैनल ने सब्सक्राइब भी जरूर कर दो और वीडियो अगर चोखो लगी हुए तो वीडियो लाइक कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो।